अमेरिकी संसद में हांगकांग मसले पर चीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित। सीनेट में मतदान के मद्देनजर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान का अमेरिका से अनुरोध, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और हांगकांग मामले में हस्तक्षेप तथा प्रतिबंध वाले विधायक पर ना करें हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने अचानक किया लेह का दौरा। थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मिले पीएम मोदी। 11,000 फीट से दिया दुश्मन देशों को संदेश, अब नहीं चलेगी सीना जोरी। पीएम के दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा संघर्ष कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य प्रयास जारी। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने कुर्सी बचाने के लिए खेला नया दांव। विपक्ष से मांगी मदद। नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और नेपाल गुट के माधव कुमार से साधा संपर्क। विकल्प नहीं मिला तो पार्टी का टूटना तय। चीन और पाकिस्तान को करारा झटका। प्रायर रेफरेंस कंट्री की लिस्ट में पड़ा नाम। भारत को खतरे या खतरे की आशंका पर हुई दोनों देशों की लिस्टिंग। उपकरणों के आयात की अनुमति हुई खत्म। कोरोना वैक्सीन की खोज में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक दर्जन से अधिक मेडिकल संस्थानों का चयन। 15 अगस्त को हो सकती है वैक्सीन की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सतर्कता विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। ट्रैप और अन्वेषण सिस्टम को मजबूत करने पर दिया जोर। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने एवं सभी सरकारी विभागों में विजिलेंस नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश। प्रशासनिक कामकाज गतिमान और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में भेल कंपनी के गेट पर श्रमिकों का धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों के वेतन में कटौती को लेकर भेल बचाओ ट्रेड यूनियन का विरोध मोर्चा। प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के लगे नारे। कर्मचारियों के शोषण का आरोप। डीए रोक दिए गए हैं। डीए के अलावा हमारे वर्क हम ज्वाइंट कमेटी में हमने अपने अधिकार लिए थे, जो हमारा वेज निर्धारित किया गया था उसमें हमारे वर्क रोक दिए गए। हम उसके लिए भी हमारा यहाँ पे स्थानीय लेवल पर नाराजगी है। हमारी कैंटीन सब्सिडी बंद कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बंद कर दी गई है। इसी सभी इशू को लेकर हम लोग नाराज हैं। और बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक। कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले के प्रमुख नेता हुए शामिल। पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रांताध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी रहे मौजूद। यूपी के कानपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी सहित 2 बदमाश भी ढेर। बदमाशों की फायरिंग में 4 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस। बदमाशों ने घात लगाकर छत से किया हमला। एसटीएफ ने संभाली कमान। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी
थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी पुलिस की टीमें जो है कम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी, कृषि और पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार का बयान, बाढ़ की आपदा में नागरिकों को हर मदद करने को सरकार है तैयार। जब जब बाढ़ आया है, सुखाड़ आया है, उसका हमने मुकाबला किया है और उन संकट की घड़ी में किसानों को कृषि उपलब्ध कराने का काम किया है। जैसा कि बताना चाहेंगे कि 17 में 19 जिले में बाढ़ आए थे और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था और इधर मैं देख रहा हूँ 18 में 25 जिले के 280 प्रखंडों में सुखाड़ हो गया था, वहाँ भी हमने कृषि इनपुट उपलब्ध कराने का काम किया था। इस तरह से जब जब किसानों पर इस तरह के संकट आए हैं, कृषि विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से हम इस संकट घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण किसानों का जो काफ़ी नुकसान हुआ है, अभी तक लगभग 16 लाख किसानों के खाते में हमने कृषि इनपुट लगभग 550 करोड़ की राशि उपलब्ध DBT के माध्यम से हमारे खाते में भेजने का काम किया है। तो बाढ़ की तैयारी हमारी है, यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का कृषि तक नुकसान होगा उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। बिहार में छपरा के कलाकार ने अपनी कलाकृति से दिया चीन को अनूठा जवाब। सैंड आर्ट से बनाया मोबाइल ऐप्स ड्रैगन को खदेड़ रहा भारत का शेर, हर तरफ हो रही सराहना। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।